ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो निज निधि निजमेव ताय यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार। थैंक यू नुपुर जी। एक बार ना प्रभा जी को भी फोन करके बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए। हाँ सर, उन्होंने अभी तक एक भी क्लास अटेंड नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं उनने एक भी बार, तो उनका एग्जाम से पहले एक बार क्लास में पढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में अपन एक काम करते हैं, आप सब लोग एक दूसरे का एग्जाम लीजिए। चलेगा? हाँ सर, वो ज्वाइन कर रहे हैं दो मिनट में। अनुभूति जी, यू विल गो फर्स्ट। अनुभूति जी के एग्जाम लेना है, सब लोग उनसे क्वेश्चन पूछे, और आप लोग उनसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो। आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि कौन सा बाल बोर्ड में कौन सा चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप उनको बोल सकते हो कि पहली दिन की दूसरी अनुवृत्ति का विचार विश्लेषण कीजिए, या फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर से स्टार्ट कीजिए। आप ऐसे बीच से भी स्टार्ट करवा सकते हो, या उनको आप ये भी बोल सकते हो कि आप पहले दिन की दूसरी अनुवृत्ति में क्या सोपान फॉलो करने वाले हो। अनुभूति जी वाज लाइक लेट्स गेट रेडी। डरा रहे डरा क्या हो? आप लोग आपस में कितने क्रिएटिव हो सकते हो मेरे को देखना है। चलिए अच्छा, लोग कहानी में ट्विस्ट डाल देते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने इनसे अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे, वो स्टूडेंट के टर्न आने पे मैं अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा। लेकर ना नुपुर जी, ठीक है सर। नुपुर जी ने तो बोला कि सर बहुत अच्छा है, मैं तो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ लूंगी, सर को मौका नहीं दूंगी मुझसे पूछने के लिए कुछ। राइट, सॉरी अबाउट दैट। ओ थैंक यू। मैं तो बिल्कुल वो पढ़ने में थोड़ा बिजी हो गई और ख्याल ही नहीं रहा कि इट्स ऑलरेडी टाइम, इट्स ब्राइट डे हियर। सो या चलिए चालू करें। हाँ जी, थैंक यू। कौन पहले, सबसे पहले कौन क्वेश्चन पूछेगा? अभी हम क्या जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई टॉपिक पे पूछ रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग आपस में ही एक दूसरे की एग्जाम ले रहे हैं। आई सी। तो अभी अनुभूति जी आई है एग्जाम देने, और आप सबको उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आई सी। तो इनकी रैगिंग की जा सकती है। तो कहानी में ट्विस्ट भी बता देता हूँ। जिस स्टूडेंट ने उनसे अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे, उन स्टूडेंट्स की टर्न आने पे मैं अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। नुपुर जी आपसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पूछती हूँ क्वेश्चन कि जब आप पाठ पढ़ा रहे हो कोई सा, तो जो व्याख्या आती है उसके अंतिम चरण के बाद कौन सा सोपान आएगा? प्रश्नोत्तर। हाँ
सही है बोध इसको कभी ऐसे बोलो प्रश्नोत्तर बोधगम्य प्रश्नोत्तर हाँ एक्चुअली मेरा वो जब डिटेल्स पूछ रहे मेरा आंसर वो था बट आपने प्रश्नोत्तर बोला वो भी सही है प्रश्नोत्तर बोधगम्य नहीं ये तो सिंपल सिंपल था सर अभी एक वार्म अप है ना अरे हमारा वार्म अप भी अच्छा होना चाहिए ओके सर और डिफिकल्ट सोच के रखती हूँ चलिए सबको दो दो मौका मिलेगा दो दो क्वेश्चन पूछने का चलिए फटाफट पल्लवी जी पहला क्वेश्चन आपका अनम्यूट तो करिए इतनी एक्साइटेड हो गई है पल्लवी जी की क्वेश्चन ही मतलब म्यूट अनम्यूट होने भूल गए देयर वी गो सॉरी गाइस आदर्श वाचन कौन से प्रकार से हो सकता है आदर्श वाचन गद्य और पद्य संवाद right. और कौन सा एक भूल गई गद्य पद्य संवाद से तीन एक और है नहीं सर तीन है या तो गद्य शैली में रहेगा या पद्य शैली में या संवाद शैली में चलिए ठीक है आप वो जो मान जाते हैं तो ऐसे पूछने वाले हैं क्या कंफ्यूज करने वाले हैं जो हमको पूछेंगे अरे अभी मैंने ये तो क्वेश्चन पूछा है राजीव जी हाँ सर मैं पूछूं हाँ पहले पहले दिन की पहली अनुवृत्ति और दूसरी अनुवृत्ति में कौन कौन से सोपान लगते हैं पहली अनुवृत्ति में तो बोर्ड कार्य पूर्व पठ मूल्यांकन और उद्देश्य कथन उसके बाद आदर्श वाचन फिर अनुकरण वाचन और उसके बाद प्रश्नोत्तर और सारांश फिर द्वितीय अनुवृत्ति में शुरू करेंगे तो डायरेक्ट व्याख्या से शुरू करेंगे व्याख्या फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर उसके बाद सारांश फिर समापन और आराध्य जी सॉरी अगर दो मिनट टाइम हो ये चीज मुझे थोड़ी नहीं समझ में आई ये क्या हुआ कि पहले बार जब पढ़ा रहे हो तो आप ये वस्तुनिष्ठ ये सब नहीं करोगे इज दैट व्हाट शी इज सेइंग पूछिए उनसे वो बताइए व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन पहले दिन की अनुमति अनुवृत्ति करेंगे पहली अनुमति तो उस टाइम पे मतलब क्लास स्टार्ट हुआ है जस्ट तो फिर पहले बोर्ड कार्य करेंगे बोर्ड कार्य करने के बाद जो हमने कल का पाठ पढ़ाया है पूर्व पाठ मूल्यांकन कि कल का जो हमने जैसे अगर पाप पढ़ाया था तो वो उनको पाप याद है कि तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के सोपान रहते उसके तीसरे दूसरा ऐसे स्टार्ट करेंगे What if it's the very first day of school? तो भी पूर्व पाठ मूल्यांकन में ही होगा फिर जो उनका पूर्व ज्ञान होगा जो हमको पता है कि जैसे अगर कोई बच्चे हैं तो 10 years के हैं तो हाँ उनको रामोकर मंत्र आता है तो आप किसी से वो पूछ सकते हैं उनका जो पूर्व ज्ञान होगा उनका स्तर जानने के लिए उनसे कुछ तो पूछना ही पड़ेगा आपको अगर आपने डायरेक्ट शुरू कर दिया और उनको नामोकार मंत्र भी नहीं आता है तो आप पढ़ाएंगे किस बेस से okay. तो पूर्व ज्ञान हाँ थोड़ा उनको पूछना जरूरी है पहले का जानने के लिए और उसके बाद फिर हाँ उद्देश्य कथन करेंगे कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं वो जो उद्देश्य कथन होता है वो सरल संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए और उसके बाद आता है आदर्श वचन पद्य शैली में है तो आप उनको पढ़ के सुनाएंगे मतलब पढ़ के बताएंगे जैसे दो लाइन कि अति पुण्योदय माया वाले तो किस राग से आप गाएंगे वो आप पढ़ के फिर उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे अगर संवाद शैली में है तो आपको जैसे नाटक प्रस्तुत करते हैं तो आपको ही वैसे उनको संवाद उतार चढ़ाव से पढ़ के बताने हैं ताकि वो उस हिसाब से पढ़ सके फिर किसी दोस्त ने उनको बोलना है कि जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही आपको पढ़ना है और उसके बाद फिर आती है
ये अनुकरण वाचन में होंगे, आदर्श वचन और अनुकरण वचन। उसके बाद आता है व्याख्या, तो व्याख्या में दो रहेंगे, सामान्यार्थ विवेचन। तो अगर पद्य शैली में है तो उसका सामान्यार्थ अर्थ करेंगे, तब उनके शब्दों का जो कठिन शब्द है उनका अर्थ या जो उसका भाव भाषण होगा वो करेंगे। और संवाद शैली में है तो उसका विचार विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। तो मूल्यांकन की आपने जो भी पाठ पढ़ा है इसमें आपको क्या क्या समझा है, या जिन्होंने जो पढ़ा है उन्होंने कुछ गलती की है क्या इसमें, ऐसे आप उनसे मूल्यांकन और संवाद करेंगे। फिर इस पाठ में क्या क्या परिभाषाएं आई हैं वो सब पूछेंगे। उसके बाद जो स्पष्टीकरण होगा वो तीन टाइप से होगा, एक तो पारिभाषिक, जैसे आपकी परिभाषा क्या है, फिर उसका भाव भाषण कि दुख का कार्य मतलब क्या होता है। तो जैसे अगर आपको चोट लग गई तो ये दुख हुआ, या आपको मैंने मारा तो आपको दुख हुआ, ऐसे ये भाव भाषण करवाएंगे। और फिर जीवन उपयोगी कि आपके जीवन में कैसे प्रयोग आएगा, जैसे मैं अगर गुस्सा करूँ तो आपको कैसा फील होगा, वैसा जीवन उपयोगी मतलब उसको वो चीज खुद पे घटा के उसको समझ में आनी चाहिए ऐसा। और उसके बाद प्रश्नोत्तर होंगे, तो प्रश्नोत्तर होंगे तो बोध में प्रश्नोत्तर मतलब आपको उनको बोलना है, जब आप नोटबुक निकालेंगे और लिखेंगे तो वो फिर जो भी पारिभाषिक शब्द रहेंगे आप उनसे लिखवाएंगे, जैसे पाप किसे कहते हैं, पाप कितने होते हैं ऐसे। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर रहते हैं, वो आप उनसे पूछेंगे कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप है या नहीं, और दुख का कारण बुरा कार्य पाप है या कषाय, ये चार स्टेप है। फिर दुख के कारण बुरे कार्य को क्या कहते हैं, फिर पाप किसे कहते हैं, ऐसे ये चार स्टेप थे। फिर उसमें भी आप भाव भाषण और जीवनों के भी उनसे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद मूल्यांकन, और ये पहले दिन की पहली अनुमति होगी, और सारांश मतलब कितना आज हमने पढ़ा, थोड़ा जो वो है वो इन शॉर्ट उनसे उनको बताएंगे, या उनसे भी पूछ सकते हैं, दोनों चलते हैं। पर समापन और गृह कार्य नहीं करेंगे क्योंकि आपको टाइम या हाफ वापस दूसरी अनुवृत्ति लेनी है। और अगर आप दूसरी अनुवृत्ति लेंगे, अनुवृत्ति मतलब पाठशाला को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट यह हो गया, अभी दूसरी अनुवृत्ति लेंगे तो आप बोर्ड कार्य नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है, या उद्देश्य कथन के लिए कि अभी जो मतलब पढ़ा था अब आगे क्या पढ़ेंगे आप वो थोड़ा सा बता सकते हैं, पर ये पूर्व पाठ मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं होती उसमें, क्योंकि आपने पहले ही कर चुका है तो अब वापस उस चीज को नहीं करेंगे। आदर्श वचन भी नहीं करेंगे, जो कल आधा पाठ पढ़ाया उस पे क्वेश्चन पूछने हैं, कल नहीं आज का ही दिन का चल रहा है, सेकेंड टाइम का ही चल रहा है, तो उसमें आप स्टार्टिंग का मूल्यांकन होते हैं। Is that what we are saying? Same day. हाँ हाँ, पहली अनुवृत्ति और दूसरी अनुवृत्ति same day चल रहा है। Okay. हाँ, और फिर आप आदर्श वाचन नहीं करेंगे क्योंकि आपने अभी क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि ये पाठ को कैसे पढ़ना है, तो आदर्श वाचन नहीं करवाएंगे। आप अनुकरण वाचन करवा सकते हैं कि कोई दो लोग खड़े और आगे का पाठ पढ़े, चाहे या एक खड़े और वो पद्य शैली का जो है वो पढ़े, और बाकी स्टेप फिर वैसे ही रहेंगे। फिर समापन और गृह कार्य तक जाएगा पूरा, कि फिर कल के पाठ का समापन मतलब कि आप उनको फोर्थ पॉइंट से लेकर वापस जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के जो पॉइंट्स है वो फोर्थ से लेके मतलब कठिन से सरलता की ओर जाना है। और उसके बाद गृह कार्य की जो आज पाठ पढ़ाया है उसको लिख के लाना हो, या फिर उसमें से कुछ नए पॉइंट्स निकाल के लाने हो, और या फिर कल का जो पाठ है वो आप पढ़कर आइए, ऐसा गृह कार्य दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन पूछ लूं, जो 9 पॉइंट्स मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, छात्रों से रिलेटेड जो शिक्षक के लिए 9 पॉइंट्स थे वो बताइए। छात्रों से रिलेटेड मतलब, अच्छा, एक टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए ऐसा। ओके, इसका कोई टर्म है सभी छात्रों के,
टीचर को पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो दृष्टि, दृष्टि सभी छात्रों पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सभी छात्रों पर दृष्टि नहीं रखेंगे, कोई बात कर रहा है कुछ कर रहा है वो सुन देगा नहीं आपको। उसके बाद मध्यम स्वर होना चाहिए, ना तो बहुत तीव्र और ना तो बहुत मंद, मध्यम स्वर होना चाहिए। दूसरा स्तर, उनके स्तर और पूर्व ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए आपको। फिर जिज्ञासा होनी चाहिए कि आप ऐसा पढ़ाएं कि उनको, छात्रों को आपके जो भी पाठ है उसके प्रति जिज्ञासा हो। उसके बाद सामूहिक प्रश्न करना चाहिए, किसी से पर्सनल क्वेश्चन पूछने पे बाकी बच्चों का ध्यान नहीं जाएगा। फिर सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए, उदाहरण से सिद्धांत की ओर जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। The next person can ask, I guess. Next one पूछना चाहेगा मितेश जी, पूजा जी। सामान्यार्थ विवेचन और विश्लेषण, विचार विश्लेषण में क्या डिफरेंस है? समानार्थ विशेषण तब करेंगे जब कोई पाठ पद्य में हो, तो पद्य में हो और उसका एक एक शब्द आप उसमें बता सकते हैं। जैसे टेव का अर्थ वितरक सर्वज्ञ तंत्र, गुणी गणित टेव, वो ऐसे क्लाइन है जो, तो वो टेव का मतलब सब बच्चों को नहीं समझ, टेव मतलब क्या होता है? तो टेव मतलब आदत होती है, तो आप उनको आदत ऐसे बता सकते हैं, जिसका अर्थ निकाल सके। या जैसे गुणी गान में पगे, तो पगे मतलब क्या हुआ कि पगे मतलब भीग जाना। उसको जब अगर हम नॉर्मल ऐसे एक एक शब्द जो कठिन शब्द होंगे उनको बताएंगे और उसका उनसे स्पष्टीकरण उनको करेंगे, या भाव भाषण या जीवन उपयोगी में समझाएंगे, तो उनको लाइन पढ़ते से ही उनको अर्थ ध्यान में आ जाएगा। और जो समानार्थ विवेक होता है, सॉरी विचार विश्लेषण होता है, ये पद्य गद्य का करेंगे, जैसे संवाद शैली में जो हो, या जो जैसे अरिहंत की परिभाषा, सिद्ध की परिभाषा, तो उनमें लगाकर वो विचार विश्लेषण करेंगे। मितेश जी, पूजा जी, आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। क्या बताया सर? आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? बोधगम्य प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में क्या फर्क है? बोधगम्य प्रश्नोत्तर में हम उनको परिभाषाएं लिखवाते हैं, लिपिबद्ध कराते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में उनको मतलब पूछते हैं या इस स्टेप में उनसे बताएंगे कि उनको वो चीज याद हो जाए। जैसे अरिहंत की परिभाषा है, तो जो गृहस्थ पना त्याग कर, तो क्या त्याग कर, तो वो जो जब हम क्वेश्चन उनसे ऐसे बार बार बुलवाते हैं या हम बोलते हैं, तो वो जो बोलते हैं पीसेस, खंड खंड में बोलेंगे, तो वो उनको पाठशाला में याद हो जाता है, तो वापस उनको बैठ कर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बोधगम्य सॉरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की जरूरत पड़ती है। आप ही बच्चे हैं। सॉरी, आप बच्चे सर क्वेश्चन पूछने के लिए। राजरूप जी ने पूछ लिया, आई डोंट नो।
राष्ट्रीय जी ने पूछ लिया। अच्छा ठीक है, पहले दिन की पहली अनुवृत्ति में और दूसरे दिन की दूसरी अनुवृत्ति में क्या डिफरेंस है? जो सोपानों का फ्लो है उन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर पहले दिन की पहली अनुवृत्ति में हम वोट कर करेंगे, पूर्व पठ मूल्यांकन करेंगे और उद्देश्य वाचन करेंगे, तो दूसरे दिन की अनुवृत्ति में और सॉरी अनुकरण आदर्श वाचन करेंगे। तो दूसरे पहले दिन की सर पहले दिन की मतलब दूसरे दिन की दोबारा से बोल देता हूँ, पहले दिन की पहली अनुवृत्ति और दूसरे दिन की दूसरी अनुवृत्ति। दूसरे दिन की दूसरी अनुवृत्ति सब वही रहेगा कि ये सब चीजें नहीं करेंगे, जो ऊपर की चीज अभी बोली चार वो नहीं करेंगे, और दूसरी अनुवृत्ति में लास्ट में मतलब पहली अनुवृत्ति में समापन कार्य और गृह कार्य नहीं देंगे, दूसरे दिन की दूसरी अनुवृत्ति में समापन कार्य गृह कार्य भी शामिल हो जाएगा। तो आदर्श वाचन नहीं करेंगे दूसरी अनुवृत्ति में? नहीं सर अनुकरण वाचन करेंगे, आदर्श वाचन नहीं। क्यों? पहली अन सॉरी रेडी अब इससे पहले उसको बता दिया है सर, पहली अनुवृत्ति में बता दिया है। नहीं सर आदर्श वाचन तो होगा ना सर, आदर्श वाचन अनुकरण वाचन व्याख्या प्रश्नोत्तर और सारांश तो हर अनुवृत्ति में हर दिन होता है, वो तो पांचों कॉमन है हमेशा होंगे वो तो, राइट अनुभूति जी? पांच है ना, पांच कॉमन सोपान है जो हर दिन हर अनुवृत्ति में होंगे, तो वो आदर्श वाचन अनुकरण वाचन व्याख्या। सामने वाला पहला दिन बोले, दूसरा दिन बोले, तीसरा दिन बोले, दसवा दिन बोले, कुछ नहीं है। कौन सी अनुवृत्ति है उस पे फर्क पड़ता है, इनको इग्नोर करो। पहली दिन की पहली अनुवृत्ति होना और पहली अनुवृत्ति, और दूसरी दिन की दूसरी अनुवृत्ति होना और दूसरी अनुवृत्ति, पहली अनुवृत्ति और दूसरी अनुवृत्ति में क्या डिफरेंस है वो बता दो, आपका आंसर सही हो गया। So far I gather कि पहली अनवित्ति, अनवित्ति did I pronounce that correct? अनवित्ति में 9 और 10 नहीं होता है, दूसरी अनवित्ति में 9 और 10 भी होता है, सारांश और गृह कार्य। So इसको आप ऐसे समझिए कि पहली अनवित्ति में स्टार्टिंग के सब चीजें होंगे, एंडिंग के नहीं होंगे, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। दूसरी अनवित्ति में स्टार्टिंग की चीजें नहीं होंगी, एंडिंग की सब चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यू की है कहानी, नई कहानी स्टार्ट नहीं की है। तो स्टार्टिंग के क्या क्या नहीं होंगे, बोर्ड कार्य नहीं होगा। सर मैं एक बात बोलूं, मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि टोटल 10 है राइट, तो बीच के 5 रखो, ऊपर के 3, बीच के 5, नीचे के 2, तो पहले 3 फर्स्ट अनुवृत्ति में होंगे और आखिरी के 2 लास्ट अनुवृत्ति में होंगे, और बीच के 5 कितनी भी अनुवृत्तियां हो सब में होंगे। अगर किसी दिन में 3 अनुवृत्ति है तो हर में 5 होंगे। तो आप हर बार उनको आदर्श वचन नहीं बता पाएंगे ना, आपने एक बार जब नहीं बताओगे बता क्योंकि आप तो... नहीं आप पूरा पाठ नहीं पढ़ाओगे ना, जैसे आप पाठ पढ़ाते हो तो आप उतना अनुवृत्ति जितना ही पाठ पढ़ाते हो कि अब रुक जाओ, फिर आप वापस आदर्श वचन करोगे नेक्स्ट अनुवृत्ति वाले पोर्शन का। नहीं पर अगर संवाद है पूरा चैप्टर तो कैसे तो भी पहले बता दिया ना, प्रोसेस है कि आपको पांचों करना है। हाँ अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता है। हाँ तो उसका डिवीजन है 3-5-2, 3 पहली अनुवृत्ति में होंगे, 5 हर अनुवृत्ति में होंगे और 2 लास्ट अनुवृत्ति में होंगे। चलिए अभी क्या है ना, मेरे को थोड़ी नींद आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि नींद उड़ जाए। तो प्रभा जी आप पढ़ेंगी? मुझे लगा ही था मुझे कुछ आता नहीं है तो मुझे पूछोगे तो नींद उड़ जाएगी। बोलो क्या करना है, व्हाट एम आई रीडिंग? आपको पढ़ाना है। ओ मैं पढ़ाऊँ? ओके
गतियों वाला चैप्टर. गतियों वाला चैप्टर ठीक है. नहीं तो आपको जो चैप्टर पढ़ाने वो पढ़ा दीजिए. नहीं नहीं कोई नहीं, आप जो बोलोगे मैं पढ़ा दूंगी. But I have to take out the book once. Just give me one second. अच्छा कल के दिन में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछा जाए कि पल्लवी जी ऑल सेट फॉर टुडे और टुमारो. आपका मैसेज पढ़ा ना सुबह, तो आई थॉट नो ऑप्शन अभी, यू आर गोइंग टू हैंग अस ऑल ऑफ. मैं भी 4 बजे उठ गई थी यार. सर आज मैंने अपनी बेटी को पकड़ा होगी तो मुझे पूरा याद करवा. मैं काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, तो मुझे याद करवा. आज हो जाएगा तो कल शांति हो जाएगी. राइट, दिस इज एग्जैक्टली मुझे भी ये लगा. सर एक क्वेश्चन है, जो आपने जो परिशिष्ट के बारे में वगैरह बोला था पढ़ने के लिए, तो वो तो नहीं पूछेंगे ना कल? पूछेंगे ना. Okay. मुझे लगा ये 16 सोपान के ऊपर ही होगा. बालबोध भाग 1, 2, 3 प्लस परिशिष्ट प्लस प्रशिक्षण निदेशक. और ये सब आप 20 मिनट्स में या 30 मिनट्स में कंप्लीट करा रहे हो? 10 to 20 मिनट्स में. Can I ask the question quickly? हमारे इस ग्रुप में वो बालबोध वाली बुक्स भी आपने कहीं शेयर की हुई है ना? कहाँ थी, मुझे मिलनी थी. ये अपने ग्रुप का दिख गई. डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो भी मिल जाएगा. हाँ दिख गई. ठीक है, कैन आई शेयर? हाँ. अच्छा ऐसा भी कल किया जा सकता है, आपको बता दो ऐसा होता है कि पल्लवी जी ऑल सेट ना, सब आता है अच्छे से, सही से कुछ भी पूछ लो. मैं मना करने का ऑप्शन है सर? आपको जो आपके ऊपर है. ठीक है चलिए, ठीक है आपका एग्जाम. सॉरी मिस दैट लास्ट बिट. ठीक है आपका एग्जाम हो गया, मार्क्स दे दिया आपको. क्या बात है. इसमें ना तो बोलना ही नहीं है मतलब बेसिकली. फिर हम सब बोल देंगे ऑल सेट. मैं बता रहा हूँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी किया है मैंने एग्जाम वैसे किया हुआ है. Who will be the lucky one? Lucky one नहीं है, risky one है. Yeah, क्योंकि you say yes और पता चल. खैर वैसे भी yes तो बोलना ही है, आप कैसे बोलोगे कि नहीं मुझे सिर्फ इतना ही आता है उसमें से ही पूछो. नहीं बोलते हैं लोग कि नहीं सर आप पूछ के देख लीजिए, मुझे नहीं पता कितना आता है, वो तो आप पूछेंगे तो ही पता चलेगा. Preparation full है, आता कितना है वो नहीं पता. वो तो एग्जाम का रिजल्ट से पता है. वो तो सब पता है, फिर आपको तो पता तो चल ही जाएगा जब वो पूछेंगे. चलिए प्रभा जी आप पढ़ाइए. चलो मैं पढ़ाती हूँ. मैं शेयर करूँ चैप्टर? वो आपको कुछ करना पड़ेगा फॉर मी टू बी एबल टू शेयर द चैप्टर. मेरे लिए तो ये कॉन्शियस होके पढ़ाना भी अभी. या आई कैन शेयर नाउ. तो इसमें हम मंगलाचरण वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं, सपोज कर लिया. नमोकार मंत्र. जय जिनेन्द्र. आज May 28th है. हम आज गतियां ये बालबोध पाठमाला 2 का 5वां पाठ गतियां सीखेंगे. इसके पहले आप लोगों ने बालबोध हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपका सदाचार का पाठ हो चुका है. उसमें से आप लोग बताएंगे कि सदाचार के मुख्य बिंदु क्या है,
कौन बताना चाहेगा? क्या क्या बातें हमने क्लास में सीखी थी? मैं बताऊं? हाँ बताइए। हम लोग ने तीन अलग अलग कहानी के माध्यम से ये देखा। पहले में वो बच्चे की कहानी थी जो लड्डू के लिए विश कर रहा था, तो उसमें अति लोभ भाव का दिखाया था कि अति क्रोध अति लोभ करके वो अपने हाथ में एक जो लड्डू आया था वो भी छोटा है करके फेंक देता है, उसे अगर बड़ा चाहिए लोभ के मारे वो क्रोध भी करता है और सारी कसाई करके अपना ही नुकसान कर लेता है कि ना उसको लड्डू मिलता है और वो परेशान होता है, बिच्छू डंक मार लेता है उसे। तो लोभ करने से हमें सिर्फ कसाई पड़ती है और कुछ मिलता नहीं है वो दिखाया था। बाद में दूसरी उसमें रात्रि भोजन के ऊपर बताया गया था कि कैसे हमें विचार पूर्वक सब करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए का विचार होना चाहिए और उससे आसानी से कितना हमारा जीवन हो जाता है वो दिखाया था कि चार पांच जन ने रात्रि भोजन नहीं किया था और दूसरे जनों ने किया था तो उनको जहर लगने से वो अधमरे हो गए थे, कुछ मर गए और कुछ को जो जिन्होंने नहीं किया था रात्रि भोजन उन्होंने बचा लिया था। और तीसरे में अनुसना जल का लिया था कि कैसे अनुसना जल के पुल में इतने सारे जीव रहते हैं कि उतने सारे जीवों की हमेशा सिर्फ एक अनुसना जल को पीने से हो जाती है, तो हमें वहां पे विवेक रखना चाहिए, अनुसना जल नहीं पीना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने। नूपुर जी बताएंगे, पल्लवी जी ने सब कुछ बता दिया उस पार्ट के बारे में कि कुछ और बाकी है? हाँ, इन्होंने पूरा कवर कर लिया। आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है, पूरे पॉइंट्स अच्छे से। ठीक है, तो क्रोध लोभ के कारण होता है क्या? मैं बताऊं? हाँ? नहीं, क्रोध जब हम सोचते हैं कि किसी ने हमारा बुरा किया तो लोभ उसका रीजन हो सकता है उसके पीछे, बट जब हम कुछ अपना अपने लिए बुरा समझते हैं और किसी और ने किया वो बुरा ऐसा सोचते हैं। तो बहुत अच्छा। राजरीप जी आप बताइए कि इस पाठ में हमने क्या सीखा, हम क्या नहीं करते थे जो अब हम करेंगे? इस पाठ में हमने सीखा कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, अनछना जल नहीं पीना चाहिए। नीचे से ही पानी छान कर पीना चाहिए। और कषाय के बारे में कुछ सीखा? क्रोध लोभ, हाँ क्रोध लोभ बारे में पहले, हाँ नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हमने थोड़ा बहुत पिछले पाठ के बारे में वापस से समझ लिया। अब हम इस गतियों के पाठ से करेंगे। ये भी संवाद की शैली में है, तो मैं आपको पहले पढ़ के समझ सुनाती हूँ कैसे इसको पढ़ना है, फिर आप लोग पढ़िएगा। तो जो रोल हम प्ले कर रहे हैं, जैसे इसमें पुत्र लिखा है और फिर पिता लिखा है, तो पुत्र को पुत्र की तरह से पढ़ना है और पिता को उसी टोन से पढ़ना है। तो पुत्र, पिताजी आज मंदिर में सुना था कि चारों गति के माही प्रभु दुख पायो मैं घणो, ये चारों गतियां क्या है जिनमें दुख ही दुख है? पिताजी, बेटा गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं। जीव संसार में मोटे तौर पर चार अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हीं चार गतियां कहते हैं। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है तो चतुर्गति के दुखों से छूट जाता है और अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं।
तो पूजा जी और मितेश जी आप आगे के दो वाक्य पढ़ेंगे इस। जी आज मंदिर में सुधा की चारों बत्ती नहीं नहीं उसके आगे का पढ़िए। मनुष्य सीरियन नरक और देव। मनुष्य तो हम तुम भी है ना। हम मनुष्य गति में है अतः मनुष्य कहलाते हैं। वैसे है तो हम तुम भी आत्मा जी। जब कोई बहुत बढ़िया बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम टाइम के कंस्ट्रेंट्स की वजह से समझ लेंगे कि हमने पूरा पाठ पढ़ लिया। तो अब हम इसको समझते हैं कि देखो गतियां हमने कहा कि चार हैं, स्वर्ग नर्क तिर्यंच और मनुष्य, और हम हैं मनुष्य गति में, ठीक है। और हमने जो पाठ पढ़ा उसके आधार पर बताइए कि तिर्यंच गति में कौन कौन आते हैं और कौन बताएगा। मैं बताऊं? हाँ बताइए। सारे पशु पक्षी जलचर नपचर वाले आ जाते हैं। अच्छा बैक्टीरिया आते हैं क्या, कौन बताएगा। बहुत अच्छा। अब तो ये चार गतियां जो हैं इनमें से कोई भी गति जाने योग्य नहीं है। जाने योग्य हमारे लिए पंचम गति है जो कि इन चार गतियों के चक्कर से निकल करके मोक्ष में जाने को कहते हैं। तो जो वो हमारा गोल है और इसलिए हम ये सब शिक्षा भी पा रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं। अब अच्छी गति कौन सी होती है, जिसमें जीव जाने जाना चाहता है, जहां जाए तो वो वहीं रहना चाहता है। तो इसलिए स्वर्ग और मनुष्य को अच्छी गति और तिर्यंच भी, नरक के अलावा तीनों ही अच्छी गति उस तरह से समझे जाता है। और वैसे तो कोई भी अच्छी गति नहीं है क्योंकि चारों ही गतियों से संसार ही बढ़ रहा है हमारा, और हमें तो इन चारों में से निकल के पंचम गति में जाना है। तो अब पाठ में आया कि भाई मनुष्य में भी तो हमें कम से कम नरक जितने दुख तो नहीं है और वहां से हम मोक्ष जा सकते हैं, तो उसको हम क्यों नहीं समझें कि अच्छी गति है। तो क्योंकि अच्छी गति होती तो उससे हमें निकलने का मन नहीं होता, तो इसलिए हमें तो चारों गतियों को छोड़ना है। अब हम आप में से कौन अगले भव में तिर्यंच गति में जाना चाहेगा। किसी को बर्ड या एलिफेंट बनना है। बर्ड बनोगे तो उड़ के कहीं चल जा सकोगे ना आराम से, क्यों नहीं बनना आपको बर्ड नुपुर जी। क्योंकि वहां से पंचम गति प्राप्त नहीं कर सकते तो दुखी रहेंगे। बिल्कुल सही बात। अच्छा पर स्वर्ग में, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, नो प्रॉब्लम है ना। स्वर्ग में तो सुनते हैं कि कितने हीरे मोती होते हैं, कितना वैभव होता है, इंद्राणियां सब नृत्य देखने को मिलता है, तो स्वर्ग में जाना कि नहीं जाना। नहीं जाना, वहां भी दुखी है। और पंचम गति में क्यों जाना। पल्लवी जी आप बताइए जी। क्योंकि वहां पर निराकुल सुख है और वहां अनंत काल तक हम रहेंगे। बहुत बढ़िया।
और नरक में क्या प्रॉब्लम है, नरक में जाएं कि नहीं जाएं? अनुभूति जी आप बताइए। सबके दुख तो यहाँ पढ़ के प्रत्यक्ष ही समझ में है कि वहां पर तो रात दिन मारकाट ही मची रहती है, तो शांति ही नहीं है, तो फिर वहां जाने का भाव ही कैसे आएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ की अपेक्षा वहां तो दुख हमें साफ नजर आते ही है, और फिर भी मूल कारण इनमें से कोई भी गति में जाना हमें नहीं प्रिय है, क्योंकि हमें तो पंचम गति ही प्रिय है, है ना? और स्वर्ग में भी लोभ और कषायें भी होती हैं, तो वहां भी सारे सुख सुख हैं, ऐसी मान्यता गलत है, वहां पर भी दुख है। तो हमारे पाठ का सारांश यही हुआ कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, हालांकि थोड़ा फर्क है तो दिखने में लग सकता है कि स्वर्ग और मनुष्य गति कंपैरेटिवली बेटर है, पर फिर भी चारों में से पंचम गति ही जाने योग्य है। ओके अभी मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी टू फॉलो द थिंग, तो ऐसे नेचुरल पढ़ाने जैसा तो नहीं हुआ। तो इसमें समापन और गृह कार्य तो हम कर नहीं रहे, तो सारांश बता के दैट्स इट द एंड। और मैंने कुछ कुछ तो ये डिटेल छोड़े ही होंगे आई एम श्योर, कि डिड आई कवर भाव भाषण जीवन उपयोगी वगैरह का। यू हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वाज डन इन द रॉन्ग मैनर। तो जैसे कि पूर्व पाठ मूल्यांकन है जो आपको करना है, रिवीजन है, उसके अंदर बच्चों से ये नहीं बोलते हो कि आप कल के सारे पॉइंट्स रिवाइज करो, तो यार कल आपने क्या क्या सीखा। आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि कल हमने कौन सा पढ़ा था, सदाचार। अच्छा। हाँ, सदाचार। हाँ, हाँ। तो सदाचार चैप्टर के बेस पे जो आपने उनको नोट्स लिखवाए थे ना, ओके, उस नोट्स में से आप क्वेश्चन पूछोगे। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर से आपने उनको जो याद करवाया था ना, उसके बेस पे आप क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है। अच्छा, अगर अब सपोज हमें आपने जैसे अभी गतियां बोल दिया है ना, अब जो भी क्वेश्चन चैप्टर आ जाए, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो तीनों बाल बोध के मेमोराइज तो नहीं है पूरे चैप्टर्स, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? तो कुछ पांच चैप्टर है जो आएंगे एग्जाम के लिए, वो पांच चैप्टर्स हम लोग अभी ग्रुप में भी डाल देंगे। ओके, तो आप लोग वो पांच चैप्टर्स प्रिपेयर करके आना। ओके, तो वो पाठ कैसे आर दे इन ऑर्डर, ताकि हम अगर पूर्व पाठ मूल्यांकन कर, नॉट इन ऑर्डर, वो बाल बोध भाग एक तो तीन में से अलग अलग से है। तो फिर हम क्या करेंगे पहले अनविति में, उसके पहले वाले चैप्टर का आप क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो द फाइव एंड उनके एक एक पहले वाला भी हमें फिर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक है द्रव्य बालभूत भाग दो से, एक है द्रव्य गुण पर्याय बालभूत भाग तीन से। सभी आप द्रव्य पढ़ा रहे हो, तो द्रव्य के पहले वाला जो चैप्टर है आप उसमें से पूर्व ज्ञान पूर्व पाठ मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, पर अब जैसे मैंने पाठ शेयर किया वो तो अलाउड है, दैट इज ओके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। तो मतलब हमें वो पांच और फिर उनके हर एक के पहले वाले भी, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि याद नहीं होंगे तो हम जो आप बोल रहे हैं ना वो नहीं कर सकेंगे पूरा प्रॉपर क्वेश्चन। इसमें एक और चीज है कि आदर्श वाचन में आप पूरा पढ़ेंगे और वो ही पूरा, मतलब पूरा चैप्टर नहीं, आप उस क्लास में जितना पढ़ाने वाले हो, उस अनुवृत्ति में जितना पढ़ाने वाले हो उतना पूरा। Oh, I see. पर अब जैसे हमको तो ये टेस्ट में तो 5-10-15 मिनट में तो you want us to do that कि हम उनको बोल दें कि भाई as a sample। मेरे को पूरा बोलने नहीं दीजिए एक बार।
आपको पूरा पढ़ना है, अनुकरण वाचन में आपने जो पढ़ा है वही सेम चीज बच्चे पढ़ेंगे, उसके आगे का नहीं। ओके तीसरी बात, किधर कट शॉर्ट करना है वो एग्जामिनर या मैं आपको कट शॉर्ट करूंगा। आप नहीं बोलोगे कि भाई समय की कमी होने के कारण से हम इसको इधर ही कट शॉर्ट कर रहे हैं। ओके समय की कमी किसको है? आपको नहीं है, एग्जामिनर को होगी तो वो कट शॉर्ट करेगा। ओके ओके तो वो इंटरप्ट करके बोलेगा कि ठीक है इतना ही पढ़ो एंड देन व्हाटएवर आई। ओके ठीक है, नहीं तो आप तो पढ़े जाओ मतलब जितना भी आपको लगता है। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके हित में क्या है कि आपको पूरा का पूरा आधा घंटा पढ़ाने को मिले। क्यों? जब आप पूरा आधा घंटा पढ़ाओगे ना सीक्वेंस में तो चांसेस ऑफ यू मेकिंग अ मिस्टेक इज वेरी लेस। ऑन द अदर हैंड जब मैं आपको कट शॉर्ट करके फटाफट करवाऊंगा ना तो चांसेस ऑफ यू मेकिंग मिस्टेक इज वेरी हाई। तो आप तो चाहते हो कि भाई अच्छे से टाइम लेके हो और अध्यापक चाहेगा कट शॉर्ट करके आगे आगे मतलब फटाफट समझो, आते ही कि नहीं आते आगे बढ़ो। आप कट शॉर्ट करने मत बैठ जाओ। हाँ मितेश जी, सर अगर ये बोले कि ये पार्ट पढ़ाना है तो उसको हम अपनी तरह से अनुमिति में डिवाइड करके ऐसा बोल सकते कि मैं ये दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। हाँ पूरा पार्ट पढ़ाना जरूरी नहीं है। नहीं वो तो आप आपने हर एक चैप्टर को चार अनुमितियों में डिवाइड किया है, कर लीजिए मार्किंग कीजिए, बोलिए पहली अनुमिति यहाँ से लेके यहाँ तक है और वो भी किस बेस पे करने वाले हो डिवीजन, आपको याद है? मैंने आप सब दो तीन एक दो परिभाषाएं आनी चाहिए मिनिमम हर अनुमिति में। एग्जैक्टली मेन पॉइंट्स, यदि आपने हर अनुमिति के अंदर दो चार ऐसे पॉइंट नहीं रखे एक्सप्लेन करने वाले तो फिर पता चलेगा कि एक अनुमिति ऐसी है जिसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है स्पष्टीकरण के लिए, बोधगम्य प्रश्नोत्तर के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा तो आप कैसे अप्लाई करोगे वो? सर कहीं कहीं पे तो पार्ट छोटा होता है तो चार अनुमिति कैसे करेंगे? तीन अनुमिति बना दो, चार का कोई रूल नहीं है मतलब। सर फिर मेरे दिमाग में एक आया था, लेट्स से मैंने तीन अनुमिति बनाई, पहले दिन की दो और दूसरे दिन की एक। अब उन्होंने अगर बोला दूसरे दिन की दूसरी तो फिर मैं उसी को एडजस्ट कर दूं बस पूर्व पार्ट और वो नहीं बताऊं और उसी को बोल दूं कि वो दूसरे दिन की अंतिम है। एग्जैक्टली ओके ये आपने एकदम एकदम इंटेलिजेंट वाली बात किया, ये बदमाश बच्ची वाली बात की, मुझे मजा आ गया। देखो आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एग्जामिनर को पता है ये बात कि आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया है? उसने बोला दूसरे दिन की दूसरी अनुमिति तो ये आपकी दूसरे दिन की दूसरी अनुमिति हो गई, ये आपकी दूसरे दिन की पहली अनुमिति हो गई। उसने बोला पहली दिन की दूसरी अनुमिति तो ये पहले दिन की दूसरी अनुमिति हो गई, ये पहले दिन की पहली अनुमिति हो गई। इजी लाइफ। अब बोलो मितेश जी को मजा आ गया ये सुन के कि सर अब तो मैं ऐसे करने वाला हूं सब, है ना? अब सुनना जो जो आने वाला है ना एग्जामिनर उसने भी ये सब ट्रिक किए हुए है तो उसको पता होएगा ये कौन से चैप्टर में चार अनुमिति पॉसिबल है और कौन से चैप्टर में नहीं है। तो जिस चैप्टर में नहीं है उसी चैप्टर में ऐसे करना, बाकी चैप्टर में मत करना। सर ऑन अ डिफरेंट नोट ना, अभी जो पांच चैप्टर जो नुपुर जी ने बताया उन सब की चार हो सकती है, मैं स्पेशली वो देवदर्शन का जो अति पुण्य है उसमें भी चार बराबर पैराग्राफ्स है, पता है मुझे तो इजीली हो जाएंगे ऐसे लगता तो है। पता है मुझे ने भी चूज करके ही चैप्टर्स चूज किए हैं कि चार तो बनाओगे एक वाले चैप्टर ना पाप शायद द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय देव स्तुति यही वाले चैप्टर्स करने। अच्छा अब सुनना
एक और हिंट दे देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया, ये जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स का आपको काफी कंटेंट ना आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ओ प्रशिक्षण निदेशिका, अगर आपने पढ़ा, एक और क्वेश्चन है, बालबोध मेरे पास, पूजा जी ने पढ़ाई की है ना, पूजा जी ने है ना सब घुमा के देखा है किधर किधर क्या क्या है, इसलिए बोल दिया निदेश देखा नहीं है, देख दिया हुआ है सब कुछ, रेडी है, टेंशन नहीं है अपना। थोड़ा थोड़ा पाठ निर्देश में और थोड़ा पाठ योजना में बहुत सारी चीजें कवर्ड है। हाँ प्रभा जी आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये कह रही थी, एक कोई मुझे, एक तो ना फिजिकल बुक्स नहीं होने से फ्लिपिंग बैक एंड फोर्थ भी बड़ी मुश्किल हो रही है, बट एनीवे एक बाल बोध प्रशिक्षण भी एक मेरे पास में ऑनलाइन पे किताब है somehow। आपको मैंने देखो, मैंने आपको बाल बोध भाग एक दिए, बाल बोध भाग दो दिए, बाल बोध भाग तीन दिए, और मैंने आपको एक पीडीएफ व्हाट्सएप किया। हाँ वो इन चार किताब से बाहर गए तो कंफ्यूज होने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, तो दूसरा नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा एक और गलती की थी उन्होंने, क्या उन्होंने पूजा जी और मितेश जी को बोला कि आप लोग अब आगे का पढ़ो, लेकिन कौन क्या पढ़ेगा बताया, तो उनको बताना पड़ेगा ना कि पूजा जी अब आप पिताजी का रोल करेंगे और मितेश जी। मैंने उसी टाइम रियलाइज किया था जब ये आपस में डिस्कस कर रहे थे। और एक कंटेंट की गलती की थी शायद, आप है ना स्वर्ग और नरक बोल रहे थे, हमारे पास देव गति है, हम लोग स्वर्ग नहीं बोलते हैं। ओके हाँ, नहीं गलतियां तो बहुत सारी की है, मुझे पता भी चल रहा था, बट आई जस्ट या एट द टाइम आई डिडंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी टू फॉलो दीज थिंग्स की बोधगम्य किया कि नहीं, मूल्यांकन किया, सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू यू नो मेक श्योर आई कवर दोस थिंग्स, तो उस चक्कर में मतलब वो फोकस इधर उधर हो रहा था। अच्छा और एक तो वो फर्क पड़ेगा क्या अगर देवगति नहीं बोला और स्वर्ग बोल दिया तो? मतलब वो एक बार इग्नोर कर देंगे बट वैसे अंतर पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलेंगे यार देवगति की बात किया था, ये स्वर्ग किधर से आ गया बीच में। ठीक है, एक मेरे पास बहुत ही ट्विस्टेड वाला क्वेश्चन है। अच्छा मेरी गलतियां तो पूरी कर दो, बहुत सारी थी अभी, इतनी मेरे को ध्यान में आई तो उतनी मैंने आपको बता दी, आज के लिए मेरे को लगता है उतनी काफी है, बहुत ज्यादा बता दूंगा ना तो आप बोलोगे ये ऐसा हो जाएगा कि मैंने एक कपड़ा सील के लेके आया, मैंने बताया था इधर गलती इधर गलती इधर गलती इधर गलती इधर गलती, अब आप बोलोगे सर थोड़ा तो छोड़ दो ना कि हाँ भाई एक सिलाई सही हो गई थी, आप बोलोगे सभी गलती है तो कपड़ा ही नहीं बचेगा, मैं एग्जाम ही नहीं देती, तो वैसा नहीं करना। चलिए बहुत ही ट्विस्टेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो आंसर देगा उसको एग्जाम टाइम में ना कुछ ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, नहीं देनी तो पड़ेगी बट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, तो पहले आंसर देगा उसका पूरा क्वेश्चन सुनना, उसके बाद पाठशाला की पहले दिन की पहली अनुविति में और पाठशाला की तीसरे चैप्टर की पहले दिन की पहली अनुविति में क्या डिफरेंस है? हाँ पूजा जी ने पहले हाथ किया था, आपने वही सेम चीज को कंपेयर किया है, पहले दिन की पहली अनुविति और तीसरे चैप्टर की पहले दिन की पहली अनुविति, दोनों पहले दिन की उसी सेम चीज की आप बात कर ले, तो दोनों में कोई डिफरेंस होएगा कि नहीं होएगा? नहीं होएगा, चलिए सर एक डिफरेंस हो सकता है,
हाँ नुपुर जी बताइए। आपने बोला पाठशाला का पहला दिन और तीसरे चैप्टर का पहला दिन, तो जो प्रभा जी ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि पाठशाला के पहले दिन आप पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करोगे, कोई पाठ तो पढ़ाया नहीं है, और तीसरा चैप्टर का जब पहली अनुवृत्ति है तो आप पूर्व पाठ मतलब दूसरे चैप्टर का मूल्यांकन करोगे। दूसरी चीज एक और आई थी इसमें बुक में कि जब आप पाठशाला का पहला दिन है तो आप इंट्रोडक्शन करोगे बच्चों का। पूजा जी मेरा भी वही आंसर था जो नुपुर जी कह रहे हैं, तो क्योंकि पाठशाला का पहला मीन क्लीन स्लेट से शुरू कर रहे हो ना आप, तो देखिए एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन पूछा है ना और बोला है कि ये ट्विस्टेड है, तो सबसे पहला काम होता है वो ट्विस्ट के लिए जो वर्ड आएगा ना उसको आइडेंटिफाई करना। जैसे नुपुर जी ने एकदम सही वर्ड पकड़ा, कौन सा? पाठशाला। पाठशाला का, इसीलिए मैंने सोचा मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, पर आई डिडंट सी पूजा जी ने भी किया था, बट दैट्स ओके। सर अब मैं एग्जाम नहीं दूं तो चलेगा? एग्जाम तो देना पड़ेगा। अब नुपुर जी ने बिना हाथ खड़े किया था, मेरा सेम नहीं आंसर किया था, मैंने किया था क्योंकि मेरा जैसे ही फिनिश हुआ तुरंत हाथ खड़ा कर दिया था आपने। चलो हम वो शेयर करेंगे, मुझे दादा जरूरत है जो भी उसका वो क्या कंसेशन मिलने। चलिए राजीव जी। हाँ सर। ये समझ में आया? हाँ सर। क्या पहले दिन की पहली आनवी थी और तीसरे दिन की पहली आनवी? नहीं तीसरे चैप्टर। एक है पाठशाला की पहली अनुवृत्ति, समझो अपन ने अपन पहले दिन मिले थे, अपन एक दूसरे को जानते थे नहीं, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया था? पाठशाला ज्वाइन। पहले की क्लास में सबसे पहले क्या किया था? परिचय, एक दूसरे का परिचय। एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बोलूं कि आज के दिन हम एक दूसरे का परिचय करते हैं, आज के अपन नया चैप्टर स्टार्ट करें तो अपन एक दूसरे का परिचय करेंगे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, अब समझ में आया? हाँ, मैंने बोला पाठशाला की पहला दिन। हाँ, हाँ। और बाद में मैंने बोला पाठशाला का तीसरा दिन। हाँ, अब समझ में। पल्लवी जी। जी सर। समझा? हाँ जी सर। मैं ऐसे सोच रही थी आपके पास ऐसी क्वेश्चन बैंक हो ट्रिकी क्वेश्चंस की, तो खोल देना अभी। थोड़े बहुत कल के लिए भी बचाने दो। आपके पास तो बहुत कुछ होगा सर बैंक में अपने। कल आप थोड़ी करेंगे बदमाशी, कल तो एक्सटर्नल जो होंगे वो करेंगे ना। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा गोल्डन नियम बताता हूँ। दो कल है ना, एक मैं आपका एग्जाम लूंगा, एक एक्सटर्नल एग्जाम लेगा। अब नॉर्मली क्या होता है ना, अगर मैं सिंपल सिंपल पूछूंगा ना तो एक्सटर्नल के कान खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे ये सिंपल पूछे तो मैं बदमाशी कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं ही बदमाशी करने पे आ गया तो फिर एक्सटर्नल बोलेंगे अरे अरे शान बच्चों को ऐसे डराओ मत, इजी क्वेश्चन पूछते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था मैं कैसा टीचर हूँ। बदमाश टीचर, एक्सपर्ट। बदमाश होगी इंसल्ट नहीं करने का, एक्सपर्ट बदमाश है ना बाबा जी। अरे मैं ये पढ़ रही थी अनुकरण वाचन। ओके, इसमें लिखा है जिस पाठ का अध्यापक ने आदर्श वाचन किया है उसे उसी के अनुकरण पर छात्रों में से किन्हीं एक दो या अधिक। सो उसी के अनुकरण मींस द सेम, अनुकरण मतलब कॉपी होता है। ओके,
ओके आई एम थिंकिंग फॉलोइंग द सेम पैटर्न, ऐसा नहीं है, वही सेम हो गया ना, सेम फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सेम पैटर्न. सी मैं क्या सोच रही थी, जैसे मैंने पहले दो पैराग्राफ पढ़े, किस टोन में कैसे वो संवाद को पढ़ना है, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल दे दिया, देन आई थॉट क्लास का टाइम पूरा वेस्ट क्यों करें भाई आगे. अच्छा, एक अच्छी चीज आपने याद दिलाई, प्रभा जी ने जिस तरीके से वो पढ़ा था ना पिताजी और पुत्र का, जो टोन था वो बहुत अच्छी थी. हाँ. वो बहुत अच्छी थी, मतलब उसको देख के एक बार वो बोलेगा अच्छा ये है ना बच्चों, वो जो था ना कौन सा पॉइंट था बताना, कि कौन से पॉइंट को था वो, तीन पॉइंट थे कि छह पॉइंट, नौ पॉइंट में से कौन सा पॉइंट को इनने अभी उठाया, विषय वस्तु को जागरूकता जिज्ञासा, एग्जैक्टली विषय वस्तु को ऐसे उठाना चाहिए है कि बच्चों को जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो उसमें क्या होएगा ना बच्चों को मजा आएगा, कि हाँ 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 सबकी नींद उड़ जाएगी. है ना मित्र जी, चलिए. मैं जो एक्चुअल में क्लास पढ़ाती हूँ उसमें मेरी टीम लीडर इतनी अच्छी है, वो हर क्लास के पहले इतना बढ़िया एक वो लिखती है, ओ डू यू वांट टू नो हाउ टू ब्ला ब्ला ब्ला, कि मतलब बड़ा रोचक बनाती है कि ये क्लास इस टॉपिक पे होने वाली है. अब वो रोचक बनाने की जिम्मेदारी आपकी है एग्जाम के लिए तो कम से कम. चलिए नेक्स्ट कौन होएगा आज, पूजा जी और मितेश जी, चलिए दोनों का एक साथ ही ले लेते हैं. सब लोग क्वेश्चन पूछिए पूजा जी और मितेश जी से, वन बाय वन. वी विल स्टार्ट विद अनुभूति जी. अनुभूति जी, ऑन हाई डिमांड. तो मैंने तो सोचा ही नहीं क्वेश्चन. नहीं चलता, देखो कोई क्वेश्चन नहीं आता, सबसे बेस्ट क्वेश्चन पता है क्या पूजा जी, आपको चौथे दिन की पहली अनुवृत्ति पढ़ानी है. कौन सा चैप्टर की? आपको जो चैप्टर पसंद हो उसके पढ़ा रहे. चलो और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अनम्यूट कीजिए. तो मुझे कई बार ना मेरे को डाउट होता है कि मैं इतनी बार अनाउंस करता हूं फिर भी लोग कैसे भूल जाते हैं. अच्छा, पहले दिन की चौथी अनुवृत्ति पूछा ना आपने. हाँ, चौथी अनुवृत्ति बोला पल्लवी जी. एग्जाम के टाइम पे ना सेल और नजर नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए. हाँ जी सर. नीचे हुई भले कुछ नहीं है, क्या है ना ये कोविड के बैच, कोविड के टाइम पे ना सारे माँ बाप ने अच्छे से देख लिया है कि बच्चे कैसे एग्जाम देते हैं बिना नीचे देखे. जी जी सर, एक्चुअली मेरे सामने ना बहुत बड़ी स्क्रीन है, सो आई हैव टू लुक अप, दैट्स व्हाई व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग आई एम यूजुअली डाउन. समझ गया, आपने वो टीवी पे अटैच किया हुआ है. जी जी, तो चाहिए तो आप टेबल चेयर लेके आप बैठ जाओ. जी सर. और अनुभूति जी आपके लिए भी यार, नीचे नहीं देखना है. जी सर. सर आई विल सिट डाउन, मैं प्रेफर करती हूँ जर्नलिज्म के क्लासेस के लिए नीचे, बट आई विल लुक अप डेफिनेटली. आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, अब जैसे कि अभी मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को देखता हूँ ना, आपकी फोटोज देखता हूँ ना, तो मेरी नजर ऐसे नीचे हो जाती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं नीचे देख रहा हूँ या मैं सो गया हूँ, ऑलमोस्ट आंखें बंद हो जाती है. और यदि मैं ऐसे ऊपर देखू ना, कैमरा पे देखू ना, तो मेरी आंखें ऐसे आधी आधी खुली दिखाई देगी.
एग्जाम टाइम पे ना जब वो पूछ रहे हैं तो कैमरा के भी ऊपर देख रहा कि आंखें पूरी खुलाई दे ऐसे नहीं पर वो तो एग्जामिनर को भी पता है कि जब आगे जी की आंखें नीची दिख लैपटॉप की पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना वो तो। इसलिए मैंने बोल दिया कि कैमरा के ऊपर देखना कि आंखें पूरी खुली है या लैपटॉप को थोड़ा ऊपर उठा के रख देना ताकि ऐसे देखना पड़े चलिए हाँ पूजा जी चौथी दिन की पहली अनुमिति सभी को सभी अपने पुस्तक भागवत पाठमाला 3 ओपन करिए उसका चौथा पाठ है इंद्रिया पेज नंबर है 14 अभी सुनना पूजा जी अभी सुनना ये ट्रिकी क्वेश्चन की तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको ऐसे चैप्टर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसके अंदर आप 8 अनुमितियां बना सको या 7 या 8 अनुमितियां बना सको समझ में आ गया जैसा तो फिर द्रव्य गुण पर्यायी है एक द्रव्य गुण पर्यायी है और दूसरा स्थिति ये एग्जैक्टली हाँ पूजा जी क्या ये भी होगा ना कि ऑलरेडी कोई चैप्टर खत्म हो चुका है तो आगे का ले रहे हैं मैंने अब सुनना क्वेश्चन क्या था पाठशाला की चौथी दिन की अनुमिति लेनी है हाँ। या फिर उस चैप्टर की चौथी दिन की अनुमिति लेनी है पाठशाला के चौथे दिन की बोला था नहीं मैंने चैप्टर के चौथा दिन बोला था चैप्टर आपने चौथे दिन की पहली अनुमिति बोला था चैप्टर के तो अगर सपोज इनके पास उस चैप्टर के 3 ही पार्ट्स होते तो वो चौथे दिन तक तो जाएगा ही नहीं तो वो फिर भी उठा के 3rd वाले को पढ़ सकते थे उनको क्या पता कितने आपने पोर्शन सुनना इसमें ट्विस्ट क्यों आया अगर मैं उनको बोलता ना कि पर्टिकुलर चैप्टर के तो वो जस्टिफाइड थी क्योंकि उसमें पॉसिबल ही नहीं है अगर मैंने उनको बोला ना कि आपको जो चैप्टर चूज करना है वो चूज कीजिए तो उनको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में इतना मटेरियल है कि आप 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सको और जैसा भी किसी ने आंसर किया था ना कोई भी जैसे वीता विज्ञान वीता के सर्वे के हितंग है वो या अति पुण्योदय ममाया है ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं अभी समझो अति पुण्योदय ममाया में कितने स्टैंजास है 4 3 है सर 6-6 लाइन के 3 6-6 लाइन के 3 है हम्म आप उसको कितने हो गए 6-6 लाइन के 3 मतलब 18 6 अनुमिति हाँ 18 लाइंस है 18 लाइंस है छह अनुमिति बना सकते सर अरे मितेश जी ने आंसर दे भी दिया 9 18 लाइन है ना दो दो क्यों आपने इतनी छोटी अनुमिति क्यों बनाई है सर बच्चे है ना उनको समझने को डिफिकल्ट होएगा पोयम है वो बहुत इसलिए मैं आराम से मुझे उनको अच्छे हमने हमें हमारा उद्देश्य है कि हम उन्हें अच्छे से पढ़ाए जिज्ञासा वो जो अपने स्टार्टिंग के पॉइंट्स याद किए थे याद है जिज्ञासा हाँ सो मेरा क्वेश्चन है अभी जैसे ये देवस्तुति का है अति पुण्य उदय मम आया तो सपोज मैं 2 ही लाइन ले रही तो क्या इसमें सपोज पाए अनंत दुख अब तक तो जो पहले पार्ट पढ़ा है बालबोध 1-2 कैन वी रिफर कि हमने कितने मतलब 4 गतियों में कैसे दुख उठाए हैं यस यस यू शुड ओके हां जी देखो अगर एग्जामिनर ने आपसे ऐसे पूछा है ना
कि चौथे पाठ का चौथे दिन की पहली अनुमिति, तो वो आपको थोड़ा बेनिफिट्स देगा क्योंकि उसको पता है कि क्या पॉसिबिलिटी और क्या नहीं है। वो खाली खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए उनने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं और आपने बहुत ही नाजुकता से होशियारी दिखाते हुए उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए वो चीज की, तो वो आपको उतनी बेनिफिट देंगे। फिर अपन जैसे पूजा जी ने बोलना शुरू किया कि बालबोध भाग तीन का ये वाला पार्ट निकाल लेते, पर वो चौथी अनुमिति तो सिर्फ हम पेज नंबर बता के फिर स्टार्ट कर सकते हैं ना। चौथी अनुमिति नहीं है ना, चौथी दिन की पहली अनुमिति है। नहीं तो बालबोध भाग तीन बोलने की जरूरत नहीं, मेरा वो क्वेश्चन नहीं, नहीं वो तो हर 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 इसमें बोलना है। अगर आपको मैंने बोला ना कि दूसरी पहली दिन की दूसरी अनुमिति है, तो आदर्श वाचन के पहले आपको बोलना पड़ेगा कि चलो बच्चों सब लोग अपनी किताबें खोलो। आप इमेजिन करो आप क्लास में हो, ब्रेक के बाद आप आए हो, क्या होएगा? सब बच्चों की किताबें अंदर इधर उधर, भूल गए होंगे कौन सी किताब खोलनी है, तो आपको आके बोलना पड़ेगा चलो सब लोग ये किताब खोलो, ये पेज में खोलो, ये वाला पैराग्राफ। हाँ पूजा जी, अगर ये चौथे दिन की पहली अनुमिति की बात चल रही है तो एक दिन में कितनी अनुमिति हुई वो कैसे अज्यूम करेंगे? पहले दिन में दो हुई है या एक ही हुई है? दो हुई है, स्टैंडर्ड में दो समझना है। अगर मैंने बोला पहले दिन की चौथी अनुमिति है तो ये समझ लो कि इसके पहले तीन दिन में छह अनुमितियां हो चुकी है। देखो सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा आ रहा है सर, क्योंकि कल सबसे ज्यादा आपके मजे लेने वाला कौन होने वाला है? आप। किसी को डाउट है उस चीज में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैंने ही आपके साथ मजे लेने के आपने मेरे मजे ले लिए आंसर नहीं दे के। वो रियलिटी शोज नहीं होते आपको लगते है, अरे ये तो अभी इतने क्वेश्चन पूछे इतने अभी आंसर भी दे दिया, फिर बाद में क्या पता चलता है, अरे बैक स्टेज में ना पहले ही क्वेश्चन बता दिया था ताकि आंसर मिस ना हो जाए। ठीक है चलिए, अभी ना प्रभा जी के लिए अपन एक काम करते हैं, आप में से कोई भी एक जन एक अनुमिति को मतलब तीसरे दिन की एक अनुमिति उसको कंप्लीट स्टार्ट टू एंड पढ़ाना है 10 मिनट में, कौन पढ़ा सकता है? मैं ट्राई करूं सर। हाँ पल्लवी जी, दूसरे दिन में एक ही अनुमिति है और उसी को ही पढ़ाना है, तो हम जो एग्जाम के लिए टॉपिक्स है उसी में से पाप, या प्रभा जी आप बताइए कौन सा लेना है, पाप या कषाय, आप बताइए। कषाय ले ले, ठीक है। तो दूसरे दिन की एक अनुमिति उसमें सब कंप्लीट करना है, ऐसा कह रहे ना सर आप? हाँ जी, ओके। जय जिनेन्द्र, सभी को मंगलाचरण बहुत अच्छी से किया प्रभा जी ने। अब हम ये बोर्ड है डेट और इस पर हम लोग कषाय, सो दैट्स आवर टॉपिक फॉर टुडे। सॉरी सर दिख रहा नहीं होगा तो, बट तो कल हमने ये कषाय चैप्टर पढ़ा था, चलिए हम देखते हैं क्या समझाता हमने इसमें। तो पूजा जी
आप बताइए कि आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है जानना, देखना। बहुत सुंदर। और राजश्री जी आप बताइए, विभाव किसे कहते हैं? जो स्वभाव के विपरीत हो उसको विभाव कहते हैं। बढ़िया। राग किसे कहते हैं अनुभूति जी? किसी चीज को अच्छा जानकर उसको पास रखने की इच्छा। क्या हम कभी राग करते हैं? हाँ करते दीदी। और कषाय किसे कहते हैं नुपुर जी? जो हमारी आत्मा को कसे, दुख दे, या राग द्वेष को भी कषाय कहते हैं। प्रभा जी, हमारे कौन से कषाय हो सकते हैं? क्रोध, मान, माया लोभ। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो आपने सबने पढ़ा है कल का, और मैंने आज के लिए आपको पढ़ के आने के लिए कहा था कि लोभ कषाय के बारे में हम देखने वाले थे। तो आप सभी बाल बोध पाठमाला 2 पेज 13 को खोलिए। आज हम लोभ कषाय के बारे में देखेंगे और मिथ्यात्व के बारे में, ठीक है? तो इसमें सुबोध और प्रबोध ऐसे दो पात्र है। तो पेज 13 सुबोध से लेंगे हम लोभ कषाय के बारे में ये कुछ बताएंगे। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। और ये लोभ कषाय के बारे में हम पढ़कर, हमें लोभ करना चाहिए क्या नहीं, लोभ से हमारे जीवन में क्या हानियां होती है, ये सब भी हम आप पढ़ेंगे सुबोध। लोभ कषाय के बारे में भी कुछ बताइए। तो प्रबोध कहता है, यह बहुत खतरनाक कषाय है, इसे तो पाप का बाप कहा जाता है। कोई चीज देखी कि यह मुझे मिल जाए, लोभी सदा यही सोचा करता है। यह तो सब ठीक है कि कषाय बुरी चीज है, पर प्रश्न तो यह है कि यह उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे? तो मैं जब तक आप नहीं बोले तब तक पढ़ती रहूंगी। So sorry, my bad. आप स्किप कर दीजिए, 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, तो बीच बीच में स्किप कर दीजिए। हाँ जी, तो वी आर अज्यूमिंग कि मैंने पढ़ा और उसके बाद प्रभा जी और ने भी पढ़ा, तो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हो गया। तो चलिए मुझे बताइए, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे भी आपने किया ना स्किप, तो उसके अंदर भी आप एक एक लाइन पढ़वा दीजिए, क्योंकि क्या होएगा ना, उसके बीच में जो आपको अध्यापक कथन है जी, वो होएगा फिर। जी जी, तो उसको डेमो कराओ ताकि फिर अध्यापक कथन भी, ठीक है? तो मैंने जैसे पढ़ा अभी प्रभा जी, करना है जब वो कहेंगे एग्जामिनर की बस आप इतना ही पढ़ो, तो वी स्टिल विल टेक द टाइम की एक स्टूडेंट भी पढ़ ले। यदि उन्होंने बोला है कि आप अनुकरण वाचन पूरा ही स्किप कर दो तो अलग बात है। राइट। तो नुपुर जी आप सुबोध बन जाइए और प्रभा जी आप प्रबोध बन जाइए। पढ़ना शुरू कीजिए। लोभ कषाय के बारे में भी कुछ बताइए। एक मिनट, मेरे पास तो इंग्लिश की किताब सामने, एक सेकंड, लेट मी, आई थिंक आई हैव वो जो ओपन की थी मैंने, एक सेकंड। या अनुभूति जी पढ़ लेंगे अभी के लिए, दैट्स फाइन, यू कैन स्टिल ओपन योर बुक। हां जी, और प्रभा जी आप तब तक। यह बहुत ठीक है, यह बहुत खतरनाक कषाय है, इसे तो पाप का दाप कहा जाता है। कोई चीज देखी है, कोई चीज देखी कि यह मुझे मिल जाए, लोभी सदा यही सोचा करता है। यह तो सब ठीक है कि कषाय बुरी चीज है, पर प्रश्न तो यह है कि उत्पन्न क्यों होती है और मिटे कैसे? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता के कारण पर पदार्थ या तो इष्ट, अनुकूल या अनिष्ट, प्रतिकूल मालूम पड़ते हैं, मुख्यतः इसी के कारण कषाय उत्पन्न होती है।
जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ ना तो अनुकूल ही मालूम होते हैं और ना प्रतिकूल, तब मुख्यतः कषाय भी उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है अनुभूति नूपुर जी, वी विल अज्यूम के ये होगा क्योंकि 10 मिनट में हमको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आप दोनों ने। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये पाप का बाप लोभ क्यों बताया है। ठीक है, तो कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं, अभी हमने देखा था। पाप का बाप किसे कहते हैं, पाप का बाप मतलब इज लोभ स्ट्रॉन्गर देन ऑल द अदर कषायस, क्या समझा आपने इसमें से, पाप का बाप मतलब आप बताइए प्रभा जी। लोभ इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, मिथ्यात्व इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मिथ्यात्व के कारण ही बाकी सारे कषाय होते हैं। ठीक है ठीक है, तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं, हमने जो अभी पढ़ा उसमें राजश्री जी आप बताएंगे मिथ्यात्व किसे कहते हैं। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। बहुत बढ़िया, उल्टी मान्यता। और क्या हमारी मान्यता उल्टी है? हाँ है ना। और जो कषाय होती है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, क्या समझा अभी हमने प्रभा जी, आप म्यूट पे हो। कषाय जो होती है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व के कारण से, हमारी मिथ्यात्व के कारण से। हाँ जी, तो जैसे हमने कल क्रोध मान माया और आज हमने लोभ देखा, तो लोभ को सारे पापों का बाप कहा, मतलब सारे पापों के पीछे कौन है राजा सबसे, वो है लोभ। और आज हमने देखा कि मिथ्यात्व जो है उसी के कारण पर पदार्थ मतलब दूसरे पदार्थ जो है या तो इष्ट मतलब अच्छे लगते हैं या हमें अनिष्ट लगते हैं, और इसी के कारण तो कषाय होती है, और कषाय होती है वो तो उल्टी मान्यता से होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें ये जो कषाय करनी है ये कषाय अच्छी होती है कि बुरी होती है, कषाय करनी है कि बंद करना है कषाय कर, पूजा जी आप बताइए। कषाय बंद करनी है, कषाय हम सब, बहुत सुंदर, कषाय तो हमको बंद करनी है। तो अभी हमने पढ़ा कि कषाय बंद कैसे होगी, तो पहले तो इसके लिए हमें तत्व ज्ञान का अभ्यास करना है, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से क्या होगा, क्या समझा अनुभूति जी आपने, तत्व ज्ञान के अभ्यास से फिर जो राग द्वेष पढ़ाया था आपने कि वो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, मतलब ना कोई चीज अनुकूल या फेवरेबल हमें लगेगी, ना कोई चीज हमें प्रतिकूल लगेगी, और जब हमें कुछ अनुकूल और प्रतिकूल नहीं लगेगा तब क्या होगा, तब तो कषाय ही उत्पन्न नहीं होगी, तो इसीलिए हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। चलिए अब मुझे कौन बताएगा कषाय किसे कहते हैं, मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप सारे उसके आंसर्स अपने बुक में लिख लीजिए। लोभ पाप का बाप है, पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट हमें मालूम पड़ते हैं, किसके कारण, तो कषाय के कारण, मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता। किसके अभ्यास से पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट मालूम नहीं पड़ेंगे, तत्व ज्ञान के अभ्यास। चलिए आप अब मुझे बताइए, यदि मैंने मुझे ना प्रभाजी ने नया फोन लिया आईफोन 13 प्रो मैक्स, और मुझे वो फोन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं जब प्रभा जी बाहर गई थी तो मैंने उस फोन को हाथ में लिया और उस फोन को चुराने के भाव किए। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा इसमें कौन सी मैंने कषाय की क्या नहीं, इसमें कौन सी कषाय की इसमें, लोभ कषाय, और बहुत बढ़िया, और माया भी करी शायद चुराने का। हाँ, माया भी की, भाव चोरी भी की, बहुत बढ़िया। तो ये सब मैंने क्यों किया, लोभ मुझे क्यों उत्पन्न हुआ, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व के कारण। और ऐसे ही जैसे एक बहुत अच्छा सेल लगा हुआ है, तो वहां पूजा जी को कुछ चाहिए था, मैंने बहुत अच्छा ड्रेस लाया, तो पूजा जी ने मुझे कहा कि कहां से लाया, तो मैंने जगह का नाम तो बता दिया उनको,
पर मैंने कहा खत्म हो गया स्टॉक, वहां मत जाना पूजारी। तो वहां पर कोई कषाय उत्पन्न हुई मेरी, कौन सी कषाय उत्पन्न हुई? माया। माया कषाय उत्पन्न, और माया किस वजह से उत्पन्न हुई? व्हाट वाज द रूट ऑफ दैट माया? मान कि मेरा ही अच्छा दिखे, उनका मान अच्छा दिखे। था। हाँ जी, तो मान भी था और इसमें लोभ तो था ही और इसमें मायाचारी भी थी। तो ऐसे हमने देखा कि क्रोध, मान, माया, लोभ, यदि अनुभूति जी ने मेरा कुछ, मुझे पहले बहुत साल पहले मुझे कभी कुछ कहा होगा, मैंने मन में वो याद रखा और उसी के बारे में मैं घोटती यदि रही और एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया अनुभूति जब वो सामने आ गई, तो वो भी क्या हुई? क्रोध कषाय हुई। सभी कषाय लोभ के कारण ही होती है। तो अब हमने इस पाठ में इन कषायों को बंद कैसे करें, कषायों से हम छूट कैसे जाए वो भी देखा कि देयर इज नो अदर वे। एक तो तत्व ज्ञान के अभ्यास के सिवाय हमें कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट मालूम नहीं होगा, इसीलिए हम सबको तत्व ज्ञान करना तो बहुत ही जरूरी है। चलिए अब मुझे आप बताइए, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं? हाँ जी मितेश जी आप बताइए। मुझे ये नहीं समझा कि लोभ कषाय की वजह से क्रोध कैसे होता है। लोभ कषाय की वजह से क्रोध कैसे होता है? तो मुझे जैसे हम इस क्लास में बैठे हुए हैं और मुझे अच्छा दिखने का भाव बहुत आया, कि मुझे बहुत लोभ आया कि यहाँ पर मेरा ज्ञान सबसे अधिक होना चाहिए, तो इसमें मान भी आया और तो फर्स्ट होना है, तो उसको उस पोजीशन का लोभ भी आया और उसकी वजह से मुझे पहले का याद आकर क्रोध भी हुआ अनुभूति पर। तो जैसे लोभ के वजह से बाकी सारी कषाय, इट इज लाइक अ चेन ऑफ थॉट्स। तो सबसे पहले तो मुझे लोभ था उस पोजीशन का, ठीक है मितेश जी? ऐसे ही हमें सारी कषाय जो होती है उनकी जननी तो लोभ ही होती है। तो चलिए अब मुझे बताएं कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या चोरी? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या नहीं, फिर उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या चोरी, फिर उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व किसे कहते हैं अनुभूति जी? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। चलिए अभी हम, मुझे एक बात बताइए कि ये सब हमने इस पाठ में जानकर आपको फायदा क्या हुआ? प्रभा जी आप इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज हो सकता है इसका? हाँ, कि जब मैं कोई चीज मुझे बहुत चाहिए तो मैं सोचूंगी कि ये मैं लोभ कर रही हूँ, तो मुझे लेट गो करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, कोई और और जब हम लेट गो करेंगे तो क्या होगा? तो हमारी कषाय नहीं होगी। बहुत बढ़िया, हमारी कषाय ही उत्पन्न नहीं होगी। तो आज के पाठ में हमने पढ़ा कि कैसे लोभ पाप का बाप है, लोभ के कारण ही बाकी सारे पाप भी होते हैं, बाकी सारी कषाय भी होती है, और सारी कषायों की जड़ क्या है? तो मिथ्यात्व ही सारी कषायों की जड़ है, जिसके वजह से हमें पदार्थ या तो इष्ट लगते हैं या अनिष्ट लगते हैं, और मुख्यतः इसी कारण से सारी कषाय तो उत्पन्न होती है। और इन कषाय से हम बच कैसे सकते हैं? तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही हमें पर पदार्थ में ना तो इष्ट लगेंगे ना अनिष्ट, मतलब समता जागृत होगी। अच्छा, तो हम अभी तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास हमने अभी किया। अब मुझे बताइए, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कषाय नष्ट होगी क्या? तत्व ज्ञान के अभ्यास से कषाय नष्ट होगी? हाँ होगी। बहुत बढ़िया, तो हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि तत्व ज्ञान करें और हमारी भी कषाय जल्दी ही छूट जाए सारी। ठीक है, अब कल के लिए आपको ये पूरा पाठ पढ़ना है और आपको एक टेबल भी बनाना है
और दिन में हमारी कौन सी कषाय होती है और फिर सोचकर उस कषाय का रूट कॉज क्या था, ये भी आप सब लिखिए। जय जिनी, जय सर। कौन इसकी इनकी गलतियां बताना चाहेगा? आई थिंक काफी अच्छा बताया पल्लवी जी ने। इन्होंने एक मिस्टेक है, उन्होंने सॉरी बोली बोली अनुभूति जी सर, एक उन्होंने सामूहिक क्लास में लिया था जो सभी लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि मूल्यांकन के टाइम पे उन्होंने बोला था कि सिर्फ जो पूर्व पाठ मूल्यांकन है उसमें आपको जो जीवनोपयोग भावभाषण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, ताकि जो पहले वाला पाठ उनको समझ में आया कि नहीं वो अच्छे से समझेगा। तो सभी लोग सिर्फ पारिभाषिक पूछ रहे हैं। मैंने एक पूछा था इसमें क्योंकि मैंने ये सुना था एक्चुअली, I'm not sure क्या पूछा था, but last question वो पूछा था कि I think पूछा था उन्होंने भाव भाषण का पूछा था, मुझे भी याद है, question याद नहीं है, पर आपने एक गलती की थी, आपने लोभ और मिथ्यात्व को लिया, right? Which is the last portion of the chapter, पर पूर्व पाठ मूल्यांकन आपने first page से किया, जबकि second page जो आप first class में उसकी पहले वाली class में पढ़ाए हो उसका मूल्यांकन करना था, क्रोध मान माया का मूल्यांकन करना था, आपने स्वभाव विभाव राग द्वेष का मूल्यांकन कर दिया। आपको दोनों का करना था, एक का नहीं। आपको पूर्व पाठ मूल्यांकन पहले दिन की दोनों अनुवृत्ति का करना था, एक अनुवृत्ति का नहीं। हाँ वो भी है। टू बी नोटेड। समझ आया तो उनको क्या करना चाहिए था आज की क्लास में, यदि मैं कल की क्लास का, तो कल अगर मैंने दो पार्ट में पढ़ाया था तो दोनों का रिवीजन लेना था, एक का नहीं। तो वो तो फिर किया ही ना उन्होंने, राग का भी उन्होंने एक ही का किया, दो का नहीं किया। अच्छा, क्रोध मान माया का नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं हम। ओके, और बताइए सर। आई एम ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बट कहीं से याद आ जाते हैं। पर एक बोलू मैं भी, जैसे नितेश जी ने जो बोला था ना कि लोभ से कैसे सारी चीजें होती है, कैसे गुस्सा आता है, तो हम उसको एज ए स्टोरी बता के बता सकते कि एक लड़के को लोभ था जैसे चॉकलेट का, तो उस चॉकलेट किसी और ने ले ली तो उसको गुस्सा आ गया, ऐसे बोलेंगे तो वो भाव भाषण जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो भी एक है, और एक और बड़ी मिस्टेक थी। आइए सर। आपका ध्यान नहीं था बच्चों का। से कह सकते हैं वो तो मतलब पूछ तो रहे। अच्छा, एक और मुझे ये पूछना है, जो सामूहिक पूछते हैं, हाउ डू यू वेट कि कोई हैंड रेज करके बताएगा कैसे उसको सामूहिक, वो एक वर्ष से आपने क्वेश्चन पूछा, आप अपने मन से किसी से भी पूछ लीजिए, उनने हाथ खड़ा किया हो कि नहीं किया हो, इट डजंट मैटर, खड़ा किया तो काउंटेड एज इंडिविजुअल, दैट इज स्टिल काउंटेड एज सामूहिक, एज लॉन्ग एज नाम बाद में ले रहे हो, पहले नाम लेके पूछो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन पूछ के नाम ले लो तो सामूहिक हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है? दो जगह पे अनु, एक है अनु आदर्श वाचन में, एक है आपका स्पष्टीकरण में, दो जगह पे आप किसी ना किसी दूसरे स्टूडेंट को टोक देना। अनुभूति जी ध्यान किधर है? यहाँ पे उसका भले ध्यान हो नहीं हो, उससे लगेगा कि आप स्टूडेंट की तरफ देख रहे हो। एग्जैक्टली, आपके पढ़ाने में किसी भी एक जन को टोक दे ही ना, उससे ये पता चलेगा कि आपका ध्यान स्टूडेंट्स पे है। अभी आपको सच बोलू, मैं जितनी बार भी जिसका भी नाम लेता हूँ ना, कंपल्सरी नहीं होता कि उनका ध्यान नहीं हो,
वो तो क्या, मैं लक्की निकलता कि मैं जब जिसका नाम लू ना वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है। मैं तो ऐसे तुक्का मारता हूँ, है ना मितेश जी, है ना पूजा जी, मैं तो बस एक तुक्का मारता हूँ। अब सही लग जाता अनुभूति जी तो मैं क्या करूँ बताइए। क्योंकि वन से ना वाइल थोड़ा ध्यान भटकता ही है, तो मतलब क्योंकि कहनी पड़ी इवन से कि हाँ थोड़ा तो मेरा ध्यान मिलता है, बाकी सब बाप सतर्क हो जाते हैं। तो वो बीच में एक आध बार आपने किसी का भी नाम ले लिया या टोक दिया ना, तो वो भी फुल है। अगर वो ऐसे भी हो ना, नाम आ गया क्यों है ना, हाँ ठीक है ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं है, बच गया मैं, अब ध्यान से सुनो, दोबारा से नहीं बचूंगा, ध्यान में आई बात? तो ध्यान से पैसे ही बोल सकते हैं अनुभूति जी, ध्यान दे रहे हैं ना आप, इज दैट गुड इनफ? हाँ हाँ, ये आपको समझ में आया वैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कल मैं एक पावर पॉइंट रख सकती हूँ क्या सर, बिकॉज आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर हिंदी। हाँ हाँ प्लीज रखिए ना, ठीक। अच्छा दूसरी चीज लैंग्वेज के लिए, शुद्ध हिंदी में पूरा का पूरा आपको एग्जाम देना है, ऐसा कंपलसरी। थैंक गुडनेस, आधी टेंशन तो यहीं पे खत्म हो जाएगी सर। आप हिंदी, गुजराती, मराठी, जब तक आप लोग तेलुगु, तमिल, कन्नड़ नहीं बोल रहे हो या चाइनीज नहीं बोल रहे हो, सब एक्सेप्टेबल है। That's good. नहीं पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि हिंदी की क्लास है तो आप मिक्सचर बोल रहे हो, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, ऐसा थोड़ी चलेगा, जो बोलना है बोलो, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स भी सारे दोनों लैंग्वेज में बोलते हैं ना। तो एक चीज याद रखना, ये एग्जाम आपकी लैंग्वेज की नहीं है, आपको मार्क्स आपकी हिंदी या इंग्लिश कितनी अच्छी है उसके लिए नहीं मिलने वाले। राइट राजीव जी, मराठी मध्ये सांगा तर चांगले आहे, आम्हाला कळते कळते का सर? और सर यहाँ तो स्टूडेंट्स भी है ना मराठी, अनुभूति जी मैं भी मराठी बोलते हैं। अच्छा आप भी मराठी बोलते हो? हिंदी तो कोमेंट ही है। अच्छा ठीक है, समझ तो मैं भी लेती हूँ, तो इट्स ओके, मेजॉरिटी तो समझ ही लेगी आपको। अच्छा अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, आप बोलोगे कि सर आप आपके ट्विस्ट ना दो दिन खत्म होने दो, आपकी हम इतने ट्विस्ट डालेंगे ना कि आप ट्विस्ट से नफरत करोगे। बोलो, ट्विस्ट ये है कि जो भी टर्मिनोलॉजीज है, जो भी पारिभाषिक शब्द है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब पाप वर्ड है ना तो आप उसको पापी बोलोगे, सिन नहीं बोलोगे। मिथ्यात्व है तो आप मिथ्यात्व ही बोलोगे, दूसरा कोई नया वर्ड नहीं। सर आप लास्ट डे तक क्यों रुके थे ये बताने के लिए कि दोनों लैंग्वेज में हो सकता है? दिस इज सो स्ट्रेसफुल। देखिए एग्जाम से पहले ये सब चीजें बताई जाती है, स्टार्टिंग में बता दो ना तो आदत बिगड़ जाती है। या आप लोग भी याद रखना, आप लोग भी जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे ना तब आपको काम में आएगा, ठीक है। चलिए और कोई तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान में नहीं आ रहे। रिटन एग्जाम दो पार्ट में है क्या? रिटन एग्जाम दो पार्ट में है, एक दो घंटे का पेपर, एक एक घंटे का पेपर, दोनों के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपकी किताब में दिए हुए हैं। उसी पे तो पूछ रही थी, वो साथी में देने हैं कैसे है? दोनों मतलब एक मैंने वो बात की है, कल अपना ओवल एग्जाम हो जाएगा, परसों सुबह 5 बजे मैं आपके स्क्रीन पे
एग्जाम का पेपर शेयर करूंगा आप सब लोगों को साथ में म्यूट पे रख के आंसर लिखना है। मितेश जी और पूजा जी को अलग अलग कमरे में बैठ के लिखना है। यदि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत हो किसी भी कारण से तो आप आपके बच्चों की हेल्प ले सकते हो, आप आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हो, आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प ले सकते हो जो व्यक्ति स्वयं इस एग्जाम को नहीं दे रहा है। ठीक है, सो इनकेस आप बोलते हो कि भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मैं अभी एग्जाम नहीं लिख सकती हूँ, मेरे को हाथ में ऐसा हो सकता है ना कि खाना बनाते बनाते आपका इधर हाथ जल जाए, लिखने को दिक्कत हो जाए, अब आपको बताने को तो शर्म आएगी, अब मैं कैसे बताऊं इतने, अब मैं बोलूं कि भाई 30 साल से तो मैं खाना बना रही हूँ, अब जाके हाथ जल जाए तो थोड़ी बिज्जती होती, मैं समझ सकता हूँ। तो आप बोल सकते हो कि भैया मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं लिख नहीं सकती, कोई बात नहीं लिख नहीं सकता, कोई बात नहीं, पेपर कट हो जाते हैं हाथ, बहुत कुछ हो सकता है, यू नो। तो आप लोग किसी ना किसी एक राइटर को ले सकते हो। प्रभा जी लिखने की आदत नहीं है और इसलिए लेना चाहो तो हाथ काट के भी बोल सकते हो कि मैं लिख नहीं सकती हूँ। फिर 5 साल तो ये पाठ योजना भी करनी पड़ेगी एग्जाम में, तो वो कैसे होगा? पाठ योजना को तो इतना लंबा टाइम लगता है। फिर अगर आपने 2 पाठ योजना बना ली है ना तो 3 पाठ योजना आपकी आधा घंटे में बन जाएगी। फिर भी टाइम तो लगेगा पाठ योजना में। चलो उसकी भी हिंट दे देता हूँ। एग्जाम के लिए जो पाठ योजना बनाओ वो 3 अनुवृत्ति में बनाना, 4th अनुवृत्ति में घुसना ही मत। 2 में भी तो कर सकते हो। नहीं एक कम कर दी बस, है ना। मतलब कुछ भी हो जाए, अगर मैंने आपको बोला ना कि अति पुण्य उदय मम आया की बनाओ, जहाँ पे आप 9 अनुवृत्ति बना सकते हो उसको भी 3 में निपटा देना। ठीक है सर, वो कॉमन ग्रुप में मैंने पूछा था, वहाँ आंसर बच्चों दूसरे बच्चों ने दिया है कि बालबोध पाठमाला 2 की स्तुति लेनी है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर वाली। इसमें सर वो एक देवलाली ऑनलाइन प्रशिक्षण कॉमन ग्रुप है ना, लेकिन किसमें लेनी है? मतलब ओरल के जो 5 पाठ है ना उसमें अति पुण्य उदय मम आया नहीं है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर है, किसी ने अभी जवाब दिया है। ठीक, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर में भी आपके कितने लाइंस हैं? 8 डिवाइड भी कर लिया है ना मितेश जी? 3 लाइंस हैं, 2-2 के 8 हो गए। चलिए तो ये नहीं समझ आया, ये आई एम सो कंफ्यूज्ड बट इट्स ओके। ये ओरल में 5 ठीक है, पर ये जो आप बोल रहे हैं ना अच्छा, क्योंकि भी अनवृत्ति वगैरह भी ओरल में ही पूछेंगे इसलिए इट्स ओके। ऐसे रिटर्न में आपका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? देखो दोनों के अलग ऑब्जेक्टिव है। ओरल में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? टीचर आपको कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के चेक करना चाहे आपको पास होना। रिटर्न में क्या ऑब्जेक्टिव है? कम से कम लिख के टीचर को बता दो कि आपको ज्यादा से ज्यादा आता है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा लिख के टीचर को ये बताओ कि मुझे आता है, वो नहीं है, कम से कम लिख के टीचर को ये बताना है कि मेरे को सब। So, तो ये वाला जो एग्जाम में जब हम पाठ आदर्श पाठ लिखेंगे तो उसमें जैसे ये स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करेंगे ना, जैसे हमने 2 किए थे, डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग नहीं करेंगे? करेंगे लेकिन उतनी ज्यादा मत करो, जैसे कि आप पॉइंटर्स में लिख दो, उदाहरण है ना तो पूरा उदाहरण मत लिखो। जी। एक लाइन में उदाहरण को निपटा दो। तो उन्होंने बोला भी था कि आप सिर्फ उदाहरण लिख दीजिए कि मैं मतलब कहानी, तो ये कहानी बताना, तो पहले हमको लगा तो हम आपको पूछ लेंगे
कि ये कौन सी कहानी थी जो बताने वाले ऐसा नहीं, पर वो लिख के कब पूछेंगे, एग्जाम देने के बाद कैसे पूछेंगे वो कि कौन सा, वो उनकी जिम्मेदारी है। सही बोला अनुभूति जी ने, वो उनका हेडेक है ना अनुभूति जी। हमारा काम हम कहानी का नाम भी देने की जरूरत नहीं, कह देंगे यहाँ पर हम कहानी बताएंगे बस। तो वो भी बोल देंगे हम यहाँ पे मार्क्स दे देंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। नहीं पर कहानी मतलब they have to be familiar कि कुछ भी लिख दो, चोर की कहानी, रिक्शे वाले की कहानी, ऐसे कुछ भी लिख दो। आप कुछ भी लिख दो, अगर वो familiar नहीं है तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ पूजा जी आप कुछ पूछ रही थी। कोई बात नहीं सर, एग्जाम में भी थोड़ा इंग्लिश स्क्रिप्ट आई तो चलेगा ना सर, अभी आपने ओरल में तो हाँ कहा है। हाँ बिंदास, टर्मिनोलॉजीज जो पारिभाषिक शब्द है वो हिंदी में, अगर आपको आपका पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना हो तो भी चलेगा। ये पार्ट निर्देश अगर बना रहे हैं एग्जाम में तो जनरली तो पार्ट निर्देश वगैरह हम लोग बुक में से रेफरेंस लेते हैं, तो रिटन एग्जाम में तो वो पॉसिबल नहीं है। बाल बोध भाग 1, 2, 3 की एग्जाम होगी उस टाइम पे आपके पास कोई किताब नहीं होती है। जब आपकी दूसरी एग्जाम पद्धति की चालू होती है तो आप लोग बाल बोध भाग 1, 2, 3 ओपन कर सकते हो। ये दो एग्जाम दो अलग दिन पे होगी सर? एक ही दिन में होगी, लेकिन पहले 2 घंटे की होगी, फिर 10-15 मिनट का गैप मिलेगा, थोड़ा जाओ खा पी के आओ। मैं समझ सकता हूँ टेंशन में डिहाइड्रेट हो जाते हैं लोग, नहीं तो टेंशन में ज्यादा पानी पी लेते हैं तो फिर डिहाइड्रेट होने के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए 2 घंटे के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद 1 घंटे का पेपर होएगा। सर तो ये मंडे मॉर्निंग होगी एग्जाम? ट्यूसडे ओरल एग्जाम मंडे मॉर्निंग है इंडिया टाइम। ओके हाँ तो ट्यूसडे मॉर्निंग है। हाँ सर गुड सर, यहाँ पे मंडे हॉलीडे तो इट्स परफेक्ट फॉर मी, नहीं तो मुझे ऑफिस का गड़बड़ करनी पड़ती है। अच्छा और सबको जिनवाणी के ऊपर हाथ रख के कसम खाना होएगा क्या? चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं वो तो ठीक है, दूसरा पेपर लीक नहीं करोगे? पेपर तो लीक कैसे होगा, आप तो उसी टाइम लगाने वाले हो वैसे भी। नहीं आप किसी को नहीं बताएंगे ऐसा। हाँ आप लोगों का एग्जाम सुबह 5 बजे होने वाला है। बाकी लोगों का बाद इंडिया में एग्जाम, आपके एग्जाम खत्म होने के बाद हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी को बताने की। ठीक है, वैसे तो मुझे बोला गया था कि 300 लोगों की एग्जाम इम्पोर्टेंट है, 9 लोगों की नहीं। तो अगले दिन वेनेसडे को आपकी एग्जाम होने वाली थी, फिर मैंने हाथ जोड़ के कुछ ना तो कुछ करके मना लिया कि सेम दिन। थैंक यू सर, क्योंकि मुझे पता है ना कि लोगों को ऐसा फील होता है कि कटने तो वाले हैं, जल्दी कट जाए उतना अच्छा है ना। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कुछ करने का, मैं कर ले लेती हूँ। मैं प्रभा जी अपने क्लासेस सुनी नहीं, बस शाम की भी आप सुनते हैं ना तो आपको बहुत हेल्प मिलती शाम की, और अपनी ये वाली जो चल रही थी वो। चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, सब लोग अच्छे से रेडी हो क्या ना।
अगर आप लोगों को किसी को कुछ डाउट हो, कुछ लगे, पूछना है, एग्जाम की टेंशन हो तो मुझसे बात कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, बट बस याद दिला रहा हूँ कि मेरा बैच है ना परमागम ऑनर्स में भी हमेशा फर्स्ट आया है, एक स्टूडेंट नहीं पूरा बैच। और दूसरी चीज 80% के नीचे ना, मतलब वहां पे तो आप पास हो जाओगे, सबके 300 लोगों के बीच में तो आप पास हो जाओगे 60-70% में भी, लेकिन इस क्लास में पासिंग मार्क्स 80% है। मतलब कोई पीयर प्रेशर नहीं है, इजीली ले ली, बट आपको बस ऐसे जानकारी के लिए याद दिला रहा था, चलेगा ना मितेश जी? सर वहां कितना है पचास? सर का स्टैंडर्ड हाई है। मेरे घर पे ना दादा हमेशा एक ही बात बोलते थे, कितने लाए हो उतने तो हमारे बाकी के विद्यार्थी भी ले आते, तो तुम में क्या बात थी? जा ठीक है, चलिए जिनवाणी सुखी कौन कहना चाहेगा? कर देती निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मानो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय 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 थैंक यू वेरी मच। Sir.